तो वर्ल्ड कप में जितनी चर्चा टीम की हो रही है कि कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम हारेगी, भारत वर्ल्ड कप जीतेगा या नहीं, उससे ज्यादा चर्चा कहें तो मौका मौका की हो रही है। जी हाँ, ये वो गाना है जो आज हर किसी के दिल में घर कर चुका है और बहुत ज्यादा चर्चा इसकी हो रही है। कोई भी टीम जीते लेकिन एक शख्स है जो शायद वर्ल्ड कप पहले ही जीत चुका है। हमारे साथ आलमगीर खान है, वो आवाज जिसने मौका मौका को आवाज दी है। और एक बार सर, मैं आपको ये जरूर देना चाहूंगा कि इस बार भी वर्ल्ड कप भारत जीते, ये मौका और किसी के पास ना जाए। ओ, आज दर पे चल के आया है मौका मौका, ओ रब आ ही गया मौका 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 ओ रब्बा मौका मौका। यह है आलमगीर खान, यानी कि जो आवाज अब तक आप सुनते रहे थे वो आवाज आपके दिलों में घर कर चुकी थी, लेकिन ये शख्स पहले ही वर्ल्ड कप जीत चुका है, ये हम कह सकते हैं। आलमगीर खान साहब, इस बार मौका मिल रहा है भारत को? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा, कल भी मिलेगा और वर्ल्ड कप भी आएगा। और आपको ये मौका कैसे मिला, पहले ये भी जानना चाहेंगे? मुझे मौका दिया, खैर ऊपर वाले ने, किस्मत ने मौका दिया। हाँ। मेरे बड़े प्यारे फ्रेंड है रोहन और विनायक जी, जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं इस गाने के, उन्होंने मुझे कॉल किया था कि एक ऐड गानी है आलम भाई, आप आ जाइए अगर फ्री हो। पर मैंने उनको मना कर दिया था, क्योंकि जब मुझे पता चला कि ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को इन्वॉल्व करके ले रहे हैं, तो मैंने उनको बोला रोहन भाई मैं नहीं गाऊंगा इसको, प्लीज किसी और से गवा लीजिए। अच्छा, पहले मना कर दिया था आपने? हाँ। कि मैं ये गाना नहीं गाऊंगा? हाँ। रिजेक्ट कर दिया था? हाँ। क्यों? नहीं, रिजेक्ट तो नहीं कह सकते, मैंने मना कर दिया था क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए था, एक तो वर्ल्ड कप चल रहा है। अच्छा, आपको लोग पाकिस्तानी क्यों समझते हैं? मतलब मैं इंटरव्यू करने जब आ रहा था आपसे, तो सबका ये कहना था कि पाकिस्तानी है क्या, पाकिस्तानी है क्या? एक मैं, एक जो विशाल मल्होत्रा है इसमें, जिन्होंने करेक्टर निभाया है, एक्टिंग की है, उनको भी लोग पाकिस्तानी समझते हैं। बट बताने से पता चलता है, क्योंकि अभी मेरा एक इंटरव्यू था रेडियो पे, तो वो मैडम बोल रहे थे कि सर मैंने आपके बारे में विकीपीडिया पे पढ़ा कि आप बांग्लादेश भी गए, पाकिस्तान भी। मैंने कहा मैडम आप ये बताइए पहले मेरा नाम क्या है, कहती सर आलमगीर खान। मैंने कहा और क्या पता है आपको मेरे बारे में, कहती है बस आपने हिंदी फिल्मों में गाने गाए और ऐड आपने हिट हो गई है मौका मौका। मैंने कहा मैं इतना बड़ा स्टार नहीं हूँ जो मेरा विकीपीडिया बना हुआ है, मेरा तो विकीपीडिया है ही नहीं अभी तक, विकीपीडिया किसी और का। तो बन गए हैं सर आप, नहीं चलो तो बन गए, दुआएं हैं आप सबकी, मेरे इंडिया की दुआएं हैं, ये मेरे देशवासियों की दुआएं हैं। पर मैंने उनको बताया कि किसी और आलमगीर खान का आपने पढ़ा होगा जो पाकिस्तानी है या बांग्लादेशी होगा, मैं प्योर हिंदुस्तानी हूँ, इंडियन हूँ, मैं पंजाब से हूँ, पटियाला से। अच्छा, पटियाला से? हाँ जी। हाँ, तो जो पटियाला का म्यूजिक घराना है वहीं से आपने तालीम ली है? जी जी, पटियाला घराना से। आलम, ये मेरे ख्याल से आपकी जिंदगी का भी सबसे बड़ा मौका था, सबसे बड़ा मौका था आपकी जिंदगी का, कह सकते हैं ये बात। हाँ हाँ, और बहुत बड़ा मौके पे भी चौका लगाया आपने, मौके पे चौका, खैर ये ऊपर वाले की कृपा है, साईं बाबा जी की कृपा मानता हूँ मैं इस चीज को, क्योंकि पहले मैंने इसको रोहन भाई को बोल दिया था कि मैं नहीं करूँगा इसको। अच्छा, मना क्यों किया था आपने? ये मना मैंने इसलिए किया था, मुझे लगा था, मुझे अपनी जगह शायद मैं भी ठीक था, सुनने के बाद मुझे लगा था कि ये पाकिस्तान के लिए दुआएं मांग रहा है, क्योंकि आज तक उनको कोई मौका मिला नहीं है इंडिया से जीतने का, तो मुझे लगा कहीं ये ना हो कि इंडिया से जीतने की बात कर रहे हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती शायद ही आपकी, शायद गलती, शायद सबसे बड़ी। हाँ। क्योंकि आपने कई मूवीज में भी गाना गाया है, आपने खिलाड़ी 786, इसके अलावा बॉडीगार्ड, और भी कई मूवीज में आपने गाना गाया, इतना फेम मतलब टोटल नहीं मिला जितना मौका मौका से मिल गया। जी बिल्कुल बिल्कुल, इससे क्या है थोड़ा फेस वैल्यू हो रही है और आवाज हर तरफ फैली हुई है। हाँ, आवाज हर तरफ। अच्छा, इन खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी सबसे बड़ा मौके पे चौका लगाने जा रहा है आज, आपको लग रहा है? धोनी, शिखर धवन, विराट कोहली, कौन है? कोहली। कोहली? हाँ। आप फैन है विराट कोहली के? बहुत बहुत हार्डकोर। और विराट कोहली भी आपके फैन है शायद? नहीं, वो तो मुझे पता नहीं, क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम ने भी शायद ट्वीट किया, वो भी ये मौका मौका बहुत पसंद आ रहा है सबको। वाह जी वाह, ये तो बहुत अच्छी, आपको पता लगा था? नहीं, मुझे नहीं पता था ये, इंडियन क्रिकेट टीम को मौका मौका बहुत पसंद आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे लग रहा है कि मेरा ये गाना सक्सेस हो गया है, मुझे दुआएं मिली हैं सबकी, चलो ये अच्छी बात है, और ऊपर वाला अल्लाह ताला चाहे, भगवान चाहे, शिव शंकर चाहे, हमारी टीम जीत गएगी कल और वर्ल्ड कप भी अपने पास आएगा। हाँ, अच्छा एक काम करते हैं आलम, हम एक बार और दर्शकों को सुना देते हैं कि जहाँ से शुरुआत हुई थी, जब पाकिस्तान को हरा तो दिया हमने, लेकिन कहाँ से शुरुआत हुई थी इसकी मौका मौका की, वो एक बार सुना देते हैं दर्शकों को। जावेद एंड द ऑपोजिशन, इट नेवर स्टॉप्स, इट्स नॉट वाइज टू ट्राई।
आज चल के दर पे आया है मौका मौका। हो रब्बा कब आएगा मौका 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 क्योंकि रोहन भाई कई दिन से बुला रहे थे, जब मुझे सुरेश जी ने जो इन्होंने ये डायरेक्ट किया है उनका बहुत बड़ा योगदान है इस वीडियो के अंदर, तो उन्होंने जब मुझे समझाया कि आलम भाई ये इंडिया के लिए ही बन रहा है, इंडिया की टीम के लिए बन रहा है, तो आप गाइए, आपकी आवाज़ चाहिए। मैं समझा, मैंने कहा सर आप चाहे 1000 टेक लो, मैं आपके पास हूँ, दिन पूरा दिन गवाओ। आपको हफ्ता हफ्ता कॉल करते रहे थे, आप गए नहीं थे। हाँ, मैंने कहा पूरा दिन गवाओ, पूरी रात गवाओ, अभी आपके पास हूँ मैं, अब मैं गाऊंगा। नहीं, पहले ऐसा था ना, आपको रेगुलर कॉल आ रही थी, आप जा नहीं रहे थे, हफ्ता हफ्ता बुलाया गया आपको। जी 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 जी, क्योंकि पहले मुझे लगा था कि शायद पाकिस्तान के लिए हो रहा है, पता नहीं था इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। हाँ, ये रोहन भाई का मैं थैंक यू अदा करता हूँ, सुरेश जी का थैंक यू अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया और ये गाने का चांस दिया। तो जब मैंने गाया फर्स्ट टेक में गाया, सिर्फ 15 मिनट में ओके हो गया था, तो मैंने रोहन 15 मिनट में रिकॉर्डिंग डन। जी, रोहन भाई को बोला, मैंने कहा चलो भाई एक टेक और लेते हैं। कहता नहीं आलम भाई, ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा नहीं, अभी तो गला भी नहीं गर्म हुआ मेरा अभी तो शुरुआत हुई है, करते हैं। मैंने कहा चाहे पूरी रात गवाओ, अब मेरे दिमाग में बैठ गया। अभी गला गर्म है, एक बार फिर से सुना देंगे छोटा सा जल्दी से। आज दर पे चल के आया है मौका मौका, ओ रब्बा कब आएगा मौका 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 मौका। उम्र पिघली मोम सी मेरी, ऐसी भी क्या जिद है तेरी, कराओ दे अब दीदारे मौका 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 मौका। और ये मेरे ख्याल से वो पूरी कवाली है ना, ये आलम जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, और ये पूरी कवाली भी एक तरीके से लॉन्च हो गई है। वो कवाली भी हम एक बार दर्शकों को सुना देते हैं। हाँ। जो पूरा गाना लॉन्च हो गया, ये मौका मौका, हाँ। वो भी हम सुना देते हैं, सेकंड पार्ट भी आया है। जी जी, आज दर पे चल के आया है मौका मौका। चाचा कौन है बे? का अरमान दिल में ही फूटा, ओ रब्बा कब आएगा तेरा मौका तेरा मौका। टिका भी नहीं रे गुमाने सिकंदर का, सिकंदर बोल रहा सूरमा है, अगर तू दुनिया पे छापे दिखा सारी दुनिया से जाए हमको यारा टकरा, इतना रखते हैं हम खून बूंद में टिकरा। अरे जा जा। मौका मौका क्या था बे? ये वर्ल्ड कप नहीं, ये है वर्ल्ड वर्सेस इंडिया। अच्छा आलम, जब ये मौका मौका आपने सुना था, क्योंकि जब इस तरह के जिंगल्स बनते हैं तो अगर क्रिकेट के ऊपर है तो क्रिकेट के जागंस या क्रिकेट के कुछ शब्द इसमें इस्तेमाल किए जा सकते हैं, इसमें एक भी कोई क्रिकेट का कोई शब्द नहीं है, तो जब ये सुना था तो क्या जहन में आया था सबसे पहले कि कुछ हिट करेगा या ये तो बड़ा? नहीं नहीं, इतनी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मुझे सिर्फ इतना ही लग रहा था कि सूफी ये एक सिर्फ मौका मौका कैसे हिट कर जाएगा। हाँ, ये सिर्फ एक सूफी लिरिक्स हैं, सूफी गाना है,
बट जब वीडियो बना तो थोड़ी सी उम्मीद बनी कि क्रिकेटर के लिए बना है। मतलब जब गा रहे थे तब तक नहीं पता था कि ऐसा होने जा रहा है? ना कुछ नहीं पता था मुझे। टीम इंडिया के भी अब आप लकी चाम बन गए, मौका मौका लकी चाम बन गए। मुझे ये संदेश आप देना चाहेंगे? ये बात सारे लोग बोल रहे हैं, खैर जहाँ भी मैं जाता हूँ कि टीम इंडिया के लिए भी लकी चाम बन गया, मौका मौका। कुछ कहना चाहेंगे टीम इंडिया के लिए? खिलाड़ी आपको देख रहे होंगे, अगर खिलाड़ी अगर मुझे देख रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे टीम इंडिया को, कोई मैसेज? बस मैं एक ही बात कहूंगा कि पूरे देश की नज़र आपके ऊपर है, पूरा देश आपके लिए दुआएं कर रहा है, मंदिर जा रहा है, मस्जिद जा रहा है, दुआएं कर रहा है, दिल से आपके लिए मन्नतें मांग रहा है। और आप निसंकोच हो के मेरी पंजाबी हो रही है और आप बिल्कुल जैसे खेल रहे हैं वैसे खेलते रहिए, किसी प्रेशर में आने की कोई ज़रूरत नहीं। आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं सर, सारे बहुत अच्छा जा रहे हैं और वर्ल्ड कप आपके हाथ में आएगा। टीम इंडिया ये सब नहीं सुनना चाहती, टीम इंडिया सुनना चाहती है मौका मौका। जाते जाते आखिरी बार आलम, आखिरी बार टीम इंडिया के लिए। आज दर पे आया है मौका मौका, जीतो 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 इंडिया जी, जीतो 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 वर्ल्ड कप, जीतो 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 जीतो। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आलम, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर द टाइम, थैंक यू।